हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का मैथ्स का पेपर। हम देखेंगे जो सब्जेक्ट होता है 150 क्वेश्चन का और उसके मार्क्स होते हैं 300। तो इस वीडियो में हम 1 से लेकर 15 क्वेश्चन देखेंगे और इसी वीडियो के सीरीज़ में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट कर दे, हम क्वेश्चन सारे इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब बाई टू माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर रेज टू 9 द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज। ठीक है, बाइनोमियल जो चैप्टर है 11th में, उसके ऊपर से एक क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बिगनिंग की टर्म का है, तो ये जो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड है उसको हम बिगनिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास पी टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू एन माइनस पी प्लस टू टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो हमारे पास जो है पी हमारे पास है 3, क्योंकि थर्ड टर्म का है वो, और एन इज इक्वल टू 9 जो यहाँ पे पावर है। तो हमें मिल जाएगी बिगनिंग की टर्म 8 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग मिल जाएगी। अब उसका जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, तो उसका जनरल टर्म का फार्मूला है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर। हमें 8 टर्म चाहिए, तो इसको हमें 8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 7 प्लस 1 हो जाएगा कुछ इस तरह से, टी 8 इज इक्वल टू टी 7 प्लस 1। अब उसका फार्मूला हम यहाँ पे जो रखा है उसके हिसाब से हम दे देते हैं। तो देखो 9 सी 7 हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 2 रेज टू 2, ए जो है हमारे पास वो एक्स क्यूब बाई 2 है, और जो b है हमारे पास वो 2 बाय एक्स स्क्वायर है, और रेज टू 7 हो जाएगा। n माइनस आर है, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, और r है जो हमारे पास 7 है, और यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन है इसलिए ये इसके फॉर्मूले में माइनस 1 रेज टू r आता है, तो r हमारे पास 7 है, तो माइनस 1 रेज टू 7 हो जाएगा। तो अब इसे हम सॉल्व कर देते, तो 9 सी 7 हम उसे किस तरह से लिखेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, नीचे 9 माइनस 7 2 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, तो 2 फोर ज़ा और 9 फोर ज़ा 36 हो जाएगा। उसके बाद x रेस्ट टू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, x रेस्ट टू 6, नीचे 2 रेस्ट टू 2 हो जाएगा, 2 रेस्ट टू 7 और नीचे x रेस्ट टू 2 7 ज़ा 14, माइनस 1 रेस्ट टू 7 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसे हम लिख देते हैं कुछ इस तरह से, 9 फोर ज़ा 36, और ये जो 2 रेस्ट टू 2 है 2 रेस्ट टू 7 डिवाइडेड 2 रेस्ट टू 5 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू और एक्स रेस टू 6 और एक्स रेस टू 14 नीचे आ जाएगा, तो 14 में 6 जाएंगे, एक्स रेस टू 8 बचेगा, और माइनस में आगे ले लेता हूँ, तो 2 रेस टू 5 क्या होगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है 32 होता है, माइनस 36 इंटू 32 डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू 8। ओके, 32 और 36 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 7 18, 3 ज़ा 9 0, तो यहाँ पे 2 5 1152, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 1152 डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू 8, विच इज़ आवर आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव इफ, 4 ऑप्शन हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक को हम पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं कुछ इस तरह से, हम पहले रो ऑपरेशन करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम इस तरह से कुछ लिख लेते हैं, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हो गया सेकंड और थर्ड टर्म को ऐड करने के बाद, अब उसको हम कॉमन ले लेते हैं बाहर ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 1 बी सी ए और सी ए बी हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, उसे थर्ड कॉलम में से माइनस कर देता हूँ, सेकेंड कॉलम में, सॉरी, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये बी माइनस सी हो जाएगा और सी माइनस ए हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड कॉलम है उसको हम उसमें से थर्ड कॉलम बात करते हैं, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो बी माइनस सी, सी माइनस ए, 1 माइनस 1 जीरो, इस तरह से 1 माइनस 1 जीरो, सी माइनस ए एंड ए माइनस बी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आया और यहाँ पे बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस में सी माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा आंसर तो एक्चुअली यहीं से निकल जाता है, पर मैं पहले प्रॉपर मेथड बता देता हूँ पूरे क्वेश्चन की, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आंसर तो यहीं से आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो बी ए से मल्टीप्लाई किया फिर बी स्क्वायर हो गया, फिर सी ए के साथ यहाँ माइनस सी ए हो जाएगा और माइनस सी माइनस बी प्लस बी सी हो जाएगा, और यहाँ पर सी माइनस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। उसे हम और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो अब ये जो फॉर्म बन रहा है उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव में बाहर निकाल देता हूँ और इन तीनों को मैं प्लस बना दूंगा और ये जो है यहाँ पे माइनस,
साइन अपोजिट चेंज हो जाएगी। अब देखो ये एक्चुअली इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो कुछ इस तरह से बनेगा, 2 हमने डिवाइड किया और 2 यहाँ सबसे मल्टीप्लाई किया। तो देखो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर सिर्फ लो यहाँ पे और माइनस 2ab और एक बी स्क्वायर यहाँ से लो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। उसके बाद यहाँ इसमें से एक बी स्क्वायर होगा माइनस 2bc और एक सी होगा, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा। और सिमिलर तरीके से ए माइनस सी का भी होल स्क्वायर होगा। तो कुछ टर्म हमें इस तरह से मिल जाएगी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि ए बी सी कोई भी पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो सकता है या कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये जो है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे है पूरे तीनों स्क्वायर में, यानी कि ये पूरा जो टर्म है वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। ओके तो ये टर्म तो पूरा पॉजिटिव हो गया। अब बची बात इसकी, अब हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि डिटरमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। और वो पॉजिटिव कैसे बनेगा, ऑप्शन चेक करते, ए बी सी पॉजिटिव हो तो उनका एडिशन भी पॉजिटिव ही बनेगा। अगर नेगेटिव लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट नेगेटिव लेने को कहा है, ठीक है, नेगेटिव आता है मतलब, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब जीरो नहीं कर सकते वरना डिटर्मिनेंट पूरा जीरो हो जाएगा, कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते वरना ए के बराबर 1 ले लेंगे, बी के बराबर 2 और सी के बराबर -3 लूँगा तो ये जीरो हो जाएगा वापस से, ठीक है, तो ये भी कैंसिल। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा सॉल्यूशन है इसका। अब आप एग्जाम में हो तो इस तरह से थोड़ी करते हैं, यहाँ पे यहीं से वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो सबकी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो रखोगे तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये कैंसिल। हम कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते, जैसे कि मैंने कहा 1, 2 और -3 रखो तो ये जीरो हो जाएगा अगेन, तो नहीं होगा क्योंकि हमें तो डिटर्मिनेंट कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। फिर ए बी सी अगर नेगेटिव रखोगे तो यहाँ पे कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू लेके देखो, -1, बी के बराबर -2 और सी के बराबर -3, तो इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे 1, 2 और 3 तो आपको ये नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, तो आप यहीं से चेक कर सकते थे, ये तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए नीचे मैंने लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ए बी सी आर पॉजिटिव। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स एंड सी इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, देन डी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई सी, देन डी 3-4 मैट्रिक्स इज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल देते हैं, ओके तो यहाँ पे जो है ये 4-3 है, 4 रो है 3 कॉलम है, और यहाँ पे बी जो है 3 रो और 2 कॉलम है, ठीक है, तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन निकाल देते हैं, ओके तो 0 × 5 0, 1 × -3 -3, ओके देन आफ्टर दैट 0 × 6 0 एंड 1 × 2 2, इस तरह से बन जाएगा ये मैट्रिक्स हमारा, क्या बनने वाला है 4 × 2 बनने वाला है, 4 रो और 2 कॉलम ये वाले, ठीक है। तो इसी तरह से हम निकालते हैं, 2 × 5 = 10 0, 2 − 2 10 − 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 × 6 = 12 एंड वही बस 12 आ जाएगा। उसी तरह से 0 × 3 = -9 हो जाएगा, देन आफ्टर दैट 3 × 2 = 6 हो जाएगा ये, फिर 4 × 5 = 20 एंड 20 − 4 = 16 हो जाएगा, देन 4 × 6 = 24 बस वही रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ए बी आ गया। अब हमें पूछा क्या था, उसके साथ सी भी मल्टीप्लाई करना है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, सी हमारे पास क्या है, 1 × 3 = 5 − 1 = 2 − 4 − 5 − 4 − 2, ओके मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ। अब हमें कहा क्या है वो अच्छे से देखना, डी 3-4 कहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स इनका मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, 2 − 4 − 5 − 4 − 2, ओके 2 रो है और 5 कॉलम है। अब हमें कहा क्या है, डी 3-4 ओनली, 3-4 यानी कि 3rd row और 4th column, तो 3rd row हमारे पास ये है और 4th column यहाँ पे कौन सा होगा, ये वाला होगा, बस वही एलिमेंट मांगा है तो उसे हम वही निकालते हैं ना, पूरा मल्टीप्लिकेशन क्यों करें। तो −9 × 2 = क्या हो जाएगा, −18 और 6 × 4 = −24, तो इनका एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, −42, विच इज 3rd option, तो हमारा आंसर होगा −42। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इफ वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ −1 raised to 1/3 इज, ओके तो इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी हमको निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं
एक्स क्यूब के बराबर माइनस वन। उसका रीज़न है यहाँ पे क्यूब रूट है, इसलिए हमने इस तरह से लिख दिया क्यूब करके दोनों साइड पे। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस वन को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो देखो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक बार माइनस वन मिलेगी, ओके एक बार एक्स इज इक्वल टू माइनस वन मिलेगी। और इसका हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करेंगे तो बी हमारे पास माइनस वन है, माइनस फोर ए ओवर सी भी वन बने, तो डी हमें क्या मिल जाएगा, माइनस थ्री। तो एक्स के रूट हमारे पास कितने मिलेंगे, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन टू ए, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो माइनस बी, बी हमारे पास है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस, डी हमारे पास क्या है माइनस थ्री और टू ए, ए वन है हमारे पास। तो हमारा ऑप्शन चेक करते हैं, वन प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू ये वाला है और वन माइनस नहीं है, ठीक है। तो हमारा वन ऑफ द वैल्यूज पूछा है इसलिए तीन वैल्यू आती है इसकी, दो ये वाली और एक एक्स इज इक्वल टू माइनस वन वाली। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू इलेवन इन द एक्सपेंशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन रेस टू फोर्टीन इज। अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना कि किस तरह से बायनोमियल क्या ही है अगेन क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक्स प्लस वन फोर्टीन का हम एक्सपेंशन निकाल देते हैं। तो देखो एक्स प्लस वन रेस टू फोर्टीन को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्टीन जी जीरो फोर्टीन सी वन एक्स, ओके यहाँ पे एक्स प्लस वन है इसलिए एक्स रेस टू वन, वन लिखने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। फोर्टी सी टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह से ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अब अच्छे से देखो कि मुझे एक्स रेस टू इलेवन का ही एक्सपेंशन निकालना है। तो देखो हम सिर्फ उसी टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं ना, पूरा क्वेश्चन क्यों करें। तो थ्री एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ पावर जो 11 आएगा, तो 3x स्क्वायर इंटू यहाँ पे एक्स रेस टू नाइन वाला आएगा, तभी तो 9 प्लस टू 11 बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते 14c9 x रेस टू नाइन, ये सिर्फ इसी टर्म का हुआ। अब माइनस हम मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, अब माइनस 2x x का पावर 1 है उसके साथ हम कौन सा लेंगे, तो 11 होगा तो 14c10 होगा x रेस टू 10 प्लस 1, वन के साथ हमें 14c11 लेना पड़ेगा x रेस टू 11, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, थ्री यहाँ पे क्या हो जाएगा x रेस टू 11 हो जाएगा, x रेस टू 11 अगर इसको हम काट देते तो ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, थ्री इंटू 14c9 तो 14 13 12 इंटू 11 हम इस तरह से लिख लेते 11 फैक्टोरियल, 14 माइनस 9 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल, इसको दो बार और लिख देते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है। माइनस 2 इंटू 14 सी 10 है तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ओके तो 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल प्लस 14 सी 11 तो 14 इंटू 13 12 इंटू 11 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल 14 माइनस 3 3 फैक्टोरियल। तो हम इसे कट कर देते हैं, 9 9 कट हो जाएगा, 10 10 कट हो जाएगा, 11 11 कट हो जाएगा, बस हमें सॉल्व करना बचा। ये देखो एक्स रेस टू 11 जो सब में बन रहा था ना वो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि खाम का टाइम वेस्ट हो, उससे अच्छा एक्स रेस टू 11 मैंने बाहर ही निकाल दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं अच्छे से, तो देखो 3 इंटू 14 इंटू 13 इंटू, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, आप चाहो तो आप डायरेक्ट अपने हिसाब से फास्टर वे में कट कर सकते हो, ओके तो 5 टू ज़ा 10 यहाँ पे चला जाएगा, ये 4 थ्री ज़ा 12 यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट हमें 14 इंटू 13 इंटू 11 प्लस यहाँ पे 14 इंटू 13 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। सब में 14 इंटू 13 है कॉमन, तो मैं उसे बाहर निकाल देता हूँ सिंप्लीफाई के लिए, और यहाँ पे और क्या है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ 3 इंटू 11 33 हो जाएगा, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 14 13 चला गया तो प्लस 2 है, ठीक है यार 22 और ये क्या हो जाएगा 20, 33 में से 11 जाएगा तो 22 तो 24, तो 14 इंटू 13 इंटू 24, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है 13 इंटू 14 14 थ्री ज़ा 42 और ये 182 हो जाएगा, 182 के साथ हम 24 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 टू ज़ा 48, ओके एंड 24 एट ज़ा या ठीक है
24 8 192 होगा, और ये 196, 19 वहाँ पे, 24 और 19 कितने हो जाएंगे, 4 3 6 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, हमारा आंसर होगा 4 3 6 8, विच इज़ आवर आंसर। ठीक है, ये तो मैंने अपने हिसाब से किया है यहाँ पे समझाने के लिए, आप चाहो तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, इससे फास्टर वे में भी होती है। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस्ट टू 100 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले देखो कि अगर ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो होता है, तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और इसको हम इस तरह ले जाते हैं। तो ये फॉर्मूले से हमें ये दो इक्वेशन मिल जाता है, यानी ओमेगा की 1 वैल्यू मिलती है, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिलता है। तो इसे हम अच्छे से देखें, तो इसका मतलब मैं इसको इस ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसको मैं पहले कुछ एक्सपेंशन में लिख देता हूँ ताकि हमें इसकी ज़रूरत है। ओके, तो सबसे पहले देखो कि हमने ये जो वैल्यू लिखी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, वो तो यही तीनों है, ये 0 हो जाएगा। प्लस अगर मैं इन तीनों टर्म में से ओमेगा क्यूब को बाहर निकालूँ तो यही बनता है, ठीक है, तो ये 0 है तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, उसी तरह से पिछले तीन टर्म भी जो भी आएंगे आगे वो भी 0 हो जाएंगे। तो टोटल टर्म है कितने हमारे पास, 1 से लेके 100 तक, देखो यहाँ से 1 से 100 और ये एक एक्स्ट्रा है, यानी टोटल हमारे पास 101 टर्म है। ओके, तो उसमें 3 के टेबल में नज़दीक का कौन सा आता है, 99, यानी 99 टर्म्स है वो तो 0 हो जाएगी, तीन तीन करके काउंट करेंगे तो 99 था, तो लास्ट के दो टर्म बचेंगे, तो कौन से बचेंगे, ये वाला बचेगा, ओमेगा रेस्ट टू 99 एंड ओमेगा रेस्ट टू 100। तो इसमें से ओमेगा रेस्ट टू 99 कॉमन निकाल देते हैं, तो देखो ओमेगा रेस्ट टू 99 को आप कैसे लिख सकते हो, आप 3 × 33 लिख सकते हो, ठीक है, तो ओमेगा क्यूब तो 1 है, यानी ये तो 1 हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हम क्या लेके आए थे, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ओनली माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 3/2 इंटू रूट 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो यहाँ पे ये जो है वो ऑयलर के थ्योरम्स के ऊपर से, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑयलर्स थ्योरम, ई रेस टू आई थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ई रेस टू माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसी को हमें बस रूल अप्लाई करना है, बाकी हमारा क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। तो देखो मैं 3 को वही रहने देता हूँ, मैं 2 को अंदर ले लेता हूँ, तो देखो ये क्या बन जाता है, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3√3/2, ठीक है, तो यानी कि हम इसी फॉर्मूले से देखिए, माइनस वाला है तो माइनस वाला फॉर्मूला आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है कॉस पाई बाय 6 पे, ओके, यानी कि 30 पे, और 1/√2 आई तो वैसे ही है, 1/√2 कितना होता है यहाँ पे, साइन पाई बाय 6 पे ये वैल्यू होती है, ठीक है, पाई बाय 6 यानी कि 30, साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे √2 लिखा है इसीलिए मैं यहाँ 2 है, सॉरी, ये 2 हमने डिवाइड में लिया था, तो ये इस तरह से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3e^2 माइनस आई पाई बाय 6, इसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर, बीच में माइनस था इसलिए हमने नीचे वाला फार्मूला यूज़ किया, अगर बीच में प्लस दे देते तो हम ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, 3e^2 माइनस आई पाई बाय 6। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ द एज ऑफ क्यूब इज √3a units देन द ट्रू स्टेटमेंट इज व्हाट। तो हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 3a³ दिया हुआ है, उसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब है, हम साइड को ए ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ए कन्फ्यूजन होगा, मैं एल क्यूब ले लेता हूँ, तो √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3√3 और ए का क्यूब ए क्यूब, तो यहाँ पे तो 3a³ दिया है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब देखते हैं, जो क्या होता है, 6l² होता है, तो 6l हमारे पास क्या है, √3 a² 6 × a³ हो जाएगा और a² यानी कि 18a² हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया है वो भी गलत है। डायगोनल ऑफ क्यूब, तो डायगोनल का एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, √3 × साइड, तो √3 हमें साइड कितना दिया हुआ है, √3a दिया हुआ है, तो √3 × √3 3 हो जाएगा और a, जो कि सही दिया हुआ है, हम फोर्थ वाला ऑप्शन चेक नहीं करते हैं।
तो हमारा आंसर होगा डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 3 है। ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। थ्री सिलेंडर ऑफ इक्वल हाइट एच हैव सर्कुलर बेसिस विथ डायमीटर आर वन आर टू आर थ्री एंड आर वन आर टू द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विथ आर थ्री हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ थ्री सिलेंडर की बात की गई है, ठीक है, तो हम पहले सिलेंडर तो नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ पर राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे जरूर उसकी ज़रूरत है हमें। ओके, तो आर वन आर टू अदर साइड है और यहाँ पे आर थ्री हाइपोटेनियस है, तो इसका मतलब यहाँ से एक रिलेशन मिल रहा है हमें, आर थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, इस स्टेटमेंट से हमें ये निकल रहा है। अब बोल रहे स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है वो चेक करो। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर, ठीक है, इनमें से कोई भी एक ग्रेटेस्ट होगा, इज इक्वल टू मोर देन द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग टू सिलेंडर। ओके, तो यहाँ पे जिसके हाइपोटेनियस यहाँ पे है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे वो बड़ा सिलेंडर होगा, ठीक है, रेडियस की बात कर रहे हैं जो साइड्स दी हुई है हमें, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पाई आर थ्री स्क्वायर एच, हाइट तो सबकी सेम दी हुई है, इक्वल हाइट्स है, तो ये क्या होगा पाई आर वन स्क्वायर एच पाई आर टू स्क्वायर एच, ठीक है, तो पाई और एच तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा आर थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, विच इज़ ऑलरेडी ट्रू, जो हमें यही रिलेशन मिलता है यहाँ पे, यानी कि जो बड़ा सिलेंडर है सबसे बड़ा वो बाकी दो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, ठीक है, इसके हिसाब से। तो फर्स्ट देखो वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर इज मोर देन, यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो ये ऑप्शन कैंसिल, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग टू सिलेंडर, हाँ तो ये इक्वल आ रहा है क्योंकि ये रिलेशन मिल रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। लेट यू इज इक्वल टू जी ऑफ टी एंड टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड जी एफ बोथ आर वन वन एंड वन टू फंक्शन, देन द ट्रू स्टेटमेंट इज व्हाट। तो देखो ये तो सिंपल डेफिनेशन के ऊपर से, सबसे पहले जो गलत दिखता है वो डायरेक्टली हम निकाल देते हैं यहाँ से, देखो। ओके, तो पहले यहाँ पे इस तरह से अच्छे से देख लेते, इसको बना लेते हैं अच्छे से। तो यू इज इक्वल टू जी ऑफ टी है, टी इज इक्वल टू क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसे कुछ, ठीक है, टी की जगह पे यही डायरेक्ट मैंने लिख लिया। अब अगर मुझे निकालना है यहाँ से इन्वर्स में जो रिलेशन दिए हुए है, तो मैं जी इस तरफ लूँगा तो जी इन्वर्स यू हो जाएगा। ओके, जी इन्वर्स हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स है, अब एफ भी उसी तरफ हम ले देंगे तो इस तरह से कुछ मिल जाएगा, जी इन्वर्स और यू मिल जाएगा इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स यू इज इक्वल टू एक्स, तो यही सही होगा, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन गलत है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, यहाँ पे टी वाला रिलेशन है, एक्स वाला नहीं है, तो हम ये नहीं रख सकते, जी ऑफ एफ इन्वर्स यू इज इक्वल टू यू, ये भी सेट नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। टू कॉन्स ऑफ सेम वर्टिकल एंगल्स हैव देयर हाइट्स एच वन एच टू देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। अब देखो कोन की बात कर रहे हैं और सेम वर्टिकल एंगल है, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं हम, ये कोन की बात है, कोन में हम राइट ट्राइंगल तो लेते ही है, ठीक है, उनकी हाइट सेम है, यानी कि इसकी भी एच वन है और यहाँ भी एच टू है, सॉरी हाइट डिफरेंट है एंगल सेम है, माई मिस्टेक। ओके, यहाँ एच टू, यहाँ जो थीटा है वो सेम है। ओके, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स का है, अब हमें पता है कि कोन्स का वॉल्यूम क्या होता है, वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच, वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच वन ले लेता हूँ और उसका वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच टू। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से होगा, यहाँ पे रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स का है तो ये हमने लिख लिया, तो वन थर्ड और पाई तो यहाँ से निकल ही जाएंगे, ठीक है, तो अब हम हमें क्या करना है, इसकी जो रेडियस है आर वन और इसकी रेडियस आर टू ले लेते, ये आर वन है और ये आर टू है, तो हमें आंसर सारे के सारे एच में है, यानी आर वन आर टू को हमें एच वन एच टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, टेन थीटा ले लेता हूँ पहले वाले ट्राइंगल में जो है वो आर वन अपॉन एच वन हो जाएगा, और उसी तरह से दोनों सेम ही है तो टेन थीटा आर टू अपॉन क्या हो जाएगा एच टू। अब थीटा सेम है दोनों का, यानी इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ आर वन अपॉन एच वन आर टू अपॉन एच टू, तो आर वन बाय आर टू के रिलेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ एच वन अपॉन एच टू, ये रिलेशन हम यहाँ यूज़ कर लेते, तो इसका मतलब आर वन बाय आर टू का स्क्वायर हो जाएगा और एच वन बाय एच टू तो है ही बाजू में, तो आर वन बाय आर टू क्या है एच वन बाय एच टू स्क्वायर और एच वन बाय एच टू साइड में ही,
ये स्क्वायर है, यहाँ पे वन है तो क्यूब हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच वन क्यूब अपॉन एच टू क्यूब हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, आंसर यहाँ पे जो दिया है आंसर की में, आंसर की इस पेपर के नीचे ही है, जब मैं क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तो भी मैं उसमें बता दूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। देखो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, पर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से फोर्थ आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी मेरा एक्सप्लेनेशन में डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन 12 देखो। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड बी इज रिवॉल्व अबाउट अ लाइन थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टिसेस एंड पैरेलल टू अपोजिट साइड, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज सो फॉर्म। अब देखो ये जो रिवॉल्विंग इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, जिससे कोन जनरेट होता है, पर यहाँ पे वर्टिसेस से पैरेलल टू अपोजिट साइड की ओर मूव होता है, रिवॉल्व होता है, तो यहाँ पे दो कोन जनरेट हो जाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये बी साइड है हमारी, तो ये बी बाई टू है, ठीक है, इस तरह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। तो मैं ए के तरफ वर्टिसेस रख के मूव करूँगा, बी से सी की तरफ इस तरह से मूव होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, और दूसरा वाला जब मैं सी के ऊपर रख के मूव कर सकता हूँ तो इस तरह से भी मैं बना सकता हूँ। हमें दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अच्छे से देखना, ओके। तो देखो वॉल्यूम कहाँ है, तो यहाँ पे दो कॉर्न जनरेट होते हैं, ये ऊपर और नीचे, और अगर वही सी की तरफ से घूमता तो ये राइट और लेफ्ट, ये दो कॉर्न जनरेट होते, ठीक है। यहाँ इस तरह से कुछ इस तरह से ये मूव होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ए की तरफ हम रख के इक्विलेटर ट्राइंगल में ए वर्टिसेस पर रख के हम इस तरह से हम रिवॉल्व करते हैं बी की सी की तरफ से। तो देखो ये क्या हो जाएगा, दो कोण है इसलिए 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमें वॉल्यूम का आता सिर्फ, बस हमें इसमें वैल्यू पुट करनी, 2 × 1/3, दो कोण बनते ऊपर और नीचे इसलिए पाई रेडियस, तो रेडियस हमारे पास कितनी है, बी बाई टू, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए बी बाई टू हो जाएगी का स्क्वायर, और एच जो है वो क्या बचेगा, एच यहाँ पे ये है, ठीक है। तो उसे हम किस तरह से लेंगे, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल से बी बी बाई टू और ये एच, ठीक है। तो ये किस तरह से बनेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा, तो 4b² - b² 3b² / 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच क्या हो जाएगा, √3b/2, ये एच हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको 1/3 / b² / 4 इंटू एच हमारे पास है √3/2 × b, तो मुझे यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 यहाँ पे √3 आ जाएगा, तो π b³/4 × √3 ये आंसर मिलता है ये सॉल्यूशन से, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बट ये मैंने कहाँ पे रखे, ए पे रख के रिवॉल्व किया था। अब यही सेम चीज़ अगर मैं सी पे रख के रिवॉल्व करूँ तो रेडियस मेरी हो जाएगी, इसको अच्छे से समझना, रेडियस मेरी हो जाएगी ये एच, यानी कितनी आई थी √3/b/2 और एच कितना हो जाएगा b/2। अब मैं वॉल्यूम में रख के देखता हूँ, 2 × 1/3 यहाँ पे रख देता हूँ, आर है √3/2 b/2 का स्क्वायर, यानी कि 3 × b² / 4 और एच है b/2, तो देखो 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा वॉल्यूम आया π b³/4 जो कि हमें यहाँ पे ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, ठीक है। मेरा इस तरह से यही आंसर आता है, और आंसर शीट में तो इसका जो आंसर किया उसमें ये आंसर दिया हुआ है सेकंड, ठीक है। तो ये इस तरह से समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 cm इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर स्फेरिकल बॉल्स ऑफ ईच डायमीटर 0.6 cm, द नंबर ऑफ दिस स्मॉलर बॉल्स विल बी। अब जब भी किसी एक स्फीयर में से बहुत सारे स्फीयर बनते हैं, उसका काउंट करने के लिए जो बड़ा जो स्फीयर होता है उसमें छोटे जितने भी स्फीयर बने उनका वॉल्यूम डिवाइड कर देना होता है, तो हमें नंबर ऑफ स्मॉलर बॉल्स मिल जाते हैं। तो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, आर है हमारे पास यहाँ पे 3, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है बड़ा स्फीयर जिसमें से सारे मेल्टेड हुए हैं, और यहाँ डायमीटर 0.6 है, ठीक है, बाकी जो स्मॉलर बॉल्स बने वो, तो उसका डायमीटर रेडियस कितना हो जाएगा 0.3, तो 4/3 πr³ × 0.3 यानी कि 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो दोनों कैंसिल ही हो गए, इसका तो कुछ था नहीं, ये भी गए,
डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा 10 का क्यूब, यानी कितना आंसर आएगा, 1000 बॉल्स बने होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द रेडियस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मेटालिक स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट्स मेल्टेड एंड रिकास्ट इंटू सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 32 बाई 3 सेंटीमीटर, देन द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। अब देखो स्फीयर में से सिलेंडर बनाया जा रहा है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम तो ऑलवेज सेम ही रहेगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि सिर्फ चेंज ही हो रहा है, वॉल्यूम तो वही का वही है। तो अब देखो इंटरनल एक्सटर्नल होता है तब हमारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, 4/3 πr³ जो होता है उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो है बिगर रेडियस है और ये स्मॉलर रेडियस, यानी एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस, कैपिटल आर है वो एक्सटर्नल रेडियस है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता ही है πr²h होता है, ठीक है। इसकी आर हमें नहीं पता है, इस आर को मैं पी ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, पाई तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल आर कैप 5 यानी 125 माइनस 327 है इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हाइट एच हमें दिया हुआ है 32 बाई 3, 125 में से 27 जाएंगे तो 98 बचेंगे, 98, और यहाँ पे ये जो 3 है वो ऊपर आ जाएगा और 32 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर, ओके। तो ये 4/8 हो जाएगा, ओके। अभी से हम 4/8 32 हो गया, अभी से हम कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 98 है, ठीक है, तो हम 2 से 49, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर है तो पी क्या मिल जाएगा मुझे, 49 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या है, हमें रेडियस मिला है, पर हमें मांगा क्या है, डायमीटर। तो 7/2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, विच इज़ आवर आंसर। ये हमें रेडियस मिला था पी, सो आंसर इज 7 सेंटीमीटर, ओके। मैंने यहाँ पे बॉक्स गलत जगह पे रख दिया है, ठीक है, हमारा आंसर होगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 1540 सेंटीमीटर क्यूब, अ वायर ऑफ रेडियस 7 mm इज मेड बाय मेल्टिंग दिस सिलेंडर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। तो एक सबसे पहले वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर में और यहाँ रेडियस है वो mm में है, ठीक है, तो दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू πr² है जो फॉर्मूला है हमारा, 1540 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे, कुछ नहीं कहा इसलिए, आर जो है वो 7 mm है तो उसे कन्वर्ट करने के लिए 7/10 लिख देंगे, mm से सेंटीमीटर में जाने के लिए, और एच हमें फाइंड करना है, 7 7 कट हो जाएगा, ओके, 22 7 154 हो जाएगा, यानी कि 70, 7 7 कट हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, और 10 10 100 और 10, ये कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच, ओके। तो हाइट क्या हो जाएगी, 1000 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ क्या हो जाए, लेंथ और हाइट सेम ही होती है वहाँ पे सिलेंडर में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर, विच इज़ आवर आंसर, ओके। तो यहाँ मैंने इस वीडियो में 1 से लेके 15 ही क्वेश्चन कवर किए हुए, ठीक है, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरी है कि ये किस तरह से क्या हुआ है, इससे कोई बेटर तरीका है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो 16 से लेकर 30 तक रहेगा, ओके, तब तक के लिए बाय।